मसाले बह रहा है क्या? तेरा मुंह फोड़ दूंगा जल्दी। मुझे नहीं है तुम्हारे पैसे की जरूरत, मैं नहीं दबाऊंगा तुम्हारे पैर। और साले को यह एक गरीब और अमीर की कहानी है। अक्सर अमीर लोग गरीबों को परेशान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब कमजोर है। ये वही गरीब है ना जो दिन हमें मिला था। अरे हाँ यार, ये तो वही है। आजा इसे मजे लेते हैं। हाँ चल चल यार, क्यों किसी गरीब को परेशान करना? अरे यार तू चिंता क्यों कर रही है, बहुत मजा आएगा। ओए गरीब इधर आ। अबे साले बह रहा है क्या? तेरा मुंह फोड़ दूंगा जल्दी। हाँ बोलो, क्यों बुलाए मुझे? अबे इधर आ, हमारे पैर दबा। अबे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, पैर दबा हमारे। मैं क्यों दबाऊं तुम्हारे पैर? मैं नहीं दबाऊंगा। अबे दो चार पैसे ले लियो, दबा पैर। मुझे नहीं है तुम्हारे पैसे की जरूरत, मैं नहीं दबाऊंगा तुम्हारे पैर। एक तो हमारी बात नहीं मान रहा, ऊपर जमा लड़ाया तू हमसे। और साले को साला भाग गया रामखोर। थोड़ी से सूरज, मयंक ये कौन था? अरे कुछ नहीं अनामिका, ये बस कुछ दिन पहले ही। और सूरज क्या हाल है? बढ़िया है बस, अब चलते हैं दोस्तों से मिलने वगैरह। हाँ सही कह पाया यार। अरे यार मयंक, गाड़ी तो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। हाँ यार हो तो बहुत गंदी रही है, धुलवा लेते हैं इसको। हाँ लेकिन किससे करवाए? अरे सूरज वो तो गाड़ी साफ करने वाला। हाँ बुला इसे। वो गाड़ी साफ करने वाले धरा। हाँ जी साहब बोलिए। गाड़ी गंदी हो रही है, साफ कर दे। ठीक है अभी करता हूँ। चमकनी चाहिए चमकनी? बिल्कुल बिल्कुल। आगे मर कपड़ा आगे। यार मैं ये गाड़ी तो बढ़िया साफ कर रहा है साहब। हो गई आपकी गाड़ी पूरी साफ, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। अब तू हमसे पैसे लेगा? हाँ साहब, आपकी गाड़ी साफ करी है तो आपसे ही पैसे लूंगा। पैसे? हाँ पैसे लेगा। यार तुम दोनों के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? किसी गरीब को इस तरह परेशान करते हैं। लालच तुम दोनों पर, मुझे ना शर्म आ रही है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इतनी शर्म आ रही है ना, जाओ उस गरीब के पास चल। हाँ जा रही हूँ मैं। हाँ भाई क्या तुम इस प्लॉट की मालिक हो? नहीं मैं इस प्लॉट की मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो इस प्लॉट का मालिक है उसे तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो। हम लोग? लेकिन हम लोग उसे कैसे जानते हैं? और वो आज जो कुछ भी है वो तुम लोगों की वजह से है। हम दोनों की वजह से? लेकिन वो कैसे? मैं बताता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है सब कुछ जानने की? तू यहां का मालिक? नामिका ये कोई मजाक चल रहा है क्या? हम लोग यहाँ पे एक सीरियस डील करने आए हैं।
मुझे भी अच्छे से पता है कि कोई मजाक नहीं, सीरियस डील है। तेरे पास एक मिट्टी का कण नहीं है और तू इस जमीन का मालिक, मजाक है क्या? मजाक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और मैं तुम्हें बता दूं ये बिल्कुल सीरियस डील है। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पे आने वाले हो तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता अपना समय बर्बाद करने के लिए। और हाँ, ये बात सच है कि मेरे पास मिट्टी का एक कण भी नहीं था, लेकिन आज तुम आसपास जितनी भी ये ज़मीन देख रहे हो सारी मेरी है, क्योंकि मैंने मेहनत करी और इस काबिल बना कि मैं इतना पैसा जुटा सकूं, ये सारी ज़मीन मेरी हो। लेकिन तूने अभी भी हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आगे तूने ये सब हासिल कैसे कर लिया? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? तुम दोनों के सवालों का जवाब भी है मेरे पास। तुम्हें वो दिन तो याद ही होगा जब तुम मुझसे गाड़ी धुलवा रहे थे और मेरे पैसे नहीं दे रहे थे, और फिर तुम्हें वो दिन भी याद होगा जब अनामिका के लाख रोकने के बाद भी तुमने मुझे मारा। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सिद्धू तुम? दीदी, आपने कुछ ना बोल के भी उन गलत लोगों की मदद कर दी। लेकिन क्यों? दीदी, मैं आपको ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो लड़का पिट रहा था ना, आपने उसकी मदद नहीं करी। सोचो दीदी, आपके कोई वो जान पहचान वाला होता तो आपको कितना बुरा लगता, पर आपने उसकी इस समय तो मदद नहीं करी, पर आने वाले टाइम में उसकी जरूर मदद करना। सिद्धू, तूने ठीक कहा, मैं उसको ढूंढती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं उसकी मदद करती हूँ। तुम फिर आ गई? सुबह मुझे परेशान करके तुम्हें चैन नहीं मिला कि तुम दोबारा आ गई? नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं उन लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन लोगों ने तुम्हें इसीलिए परेशान किया क्योंकि तुम गरीब हो और तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो। अगर तुम पढ़ लिख जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ तो वो शायद तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छे आदमी और पैसे वाला आदमी बनो ताकि तुम्हें कोई भी परेशान ना कर पाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? उस सब की चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है यार। मयंक। हाँ भाई। आज के दिन कितना ही बोरिंग है यार। सही कह रहा है यार, सुबह से कोई दोस्त भी नहीं मिला अपना। तो मयंक, ये वही गरीब है ना जो हमें उस दिन मिला था? हाँ यार, ये तो वही है। हाँ, चल इसके मजे लेते हैं। चल आ जा। अरे गरीब, क्या कर रहा है? मुझे परेशान मत करो, पढ़ाई करने दो मुझे। अच्छा? ओहो, पढ़ाई। आधा देखा क्या पढ़ रहा है? देखू। वापिस दो मेरी किताब। क्या बोला है? डिस्टर्ब ना करे। मयंक, हमसे सुबह लड़ा रही है। अरे मजा चखा, कोल्ड ड्रिंक डाल इसके मुंह पे। ठीक है, तू पीछे हो जा। डाल पे। अब आया मजा? क्यों बे गरीब, हमसे जुबान लड़ाएगा? तेरी बस इतनी औकात है, तुम्हारे जूते चाटेगा, समझा? आगे से अगर तू मेरे को पढ़ता हुआ दिख गया ना, टांगे तोड़ दूंगा। चल मैं। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरा ही पलट के रख देते हैं, वैसे ही जैसे अनामिका आई थी मेरी जिंदगी में। उसने मुझे प्रेरणा दी और बताया कि अगर मैं पढ़ूं तो एक अच्छा इंसान, कामयाब इंसान बन सकता हूं। और उसके बाद क्या था, मैंने दिल लगा के पढ़ाई करनी चालू कर दी। लेकिन फिर एक दिन अनामिका मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि अगर कोई गरीब चाहे तो वो अमीर बन सकता है,
अपने मेहनत के बलबूते पे, और रामिका ने मेरी बहुत मदद करी और आज मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। अगर रामिका नहीं होती तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी ज़मीन का मालिक मैं बन पाऊँगा। अब तुम दोनों को तुम्हारे सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे, तो आज मैं तुम्हें और थोड़ा ज्ञान भी देता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई गरीब है तो वो अमीर नहीं बन सकता। तुम जैसे लोगों को क्या पता गरीबी में जीना कितना दुखदाई होता है। मैं एक वक्त की रोटी हासिल करने के लिए पूरा दिन मेहनत करता था और उसी से मेरा और मेरे परिवार का घर चलता था। तुम जैसे अमीर लोग वो भी नहीं चलने देते। लेकिन मैंने ठान ली थी कि जब भी मैं अमीर बनूंगा तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा, और नियति देखो तुम मेरे पास खुद चल के आ गए। मुझे तो दया आती है तुम जैसे लोगों पे और तुम्हारे माँ बाप पे। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी, लेकिन क्या करें तुम उस शिक्षा के लायक ही नहीं हो। अब खड़े खड़े मेरे प्रवचन क्या सुन रहे हो तुम दोनों? पैसे हैं तुम्हारे पैसे प्लॉट खरीदने के? हाँ हाँ हमें पता है, इस प्लॉट की कीमत 50 करोड़ है, तो हमारे पास है। नहीं नहीं, नहीं। अब यह प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है तुम दोनों के पास इतने पैसे? 100 करोड़ तो नहीं है हमारे पास। अब जब तुम्हारे पास इस प्लॉट को खरीदने के पैसे नहीं है तो यहाँ क्या अचार डाल रहे हो? निकलो और अपने औकात के अनुसार कोई प्रॉपर्टी ढूंढ लो, दफाओ। निकलो चलो। अंकित सही मजा चखाया तुमने इन दोनों को, गुड जॉब।